हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो है क्विक रेसिपी है और ये है क्रिस्पी मटन चॉप्स। शुरू करते हैं। ओके, मटन चॉप्स के लिए ऑब्वियसली हमने मटन लिया, मैंने 8 चांपे लिए हैं, ठीक है। मसालों के लिए आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर विच इज धनिया पाउडर, ठीक है। फिर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका विनेगर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और बाद में हमने कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून बेसन और 2 अंडे। हमने एक कढ़ाई सी ली है, बढ़िया सा पैन ले लें कोई, उसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चांपे डालेंगे, सारी चांपे डाल दें। इसके हम अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, एज इन बेसिकली जो सारी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे, एक्सेप्ट 2, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, सिरका और जो सारे मसाले थे हम इसमें डाल देंगे। चूल्हे को हाई पे रख लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अब हम कवर करेंगे जब तक ये इसका पानी ना सूख जाए और हमारी मटन चॉप्स पक ना जाए। इसको फिलहाल थोड़ी देर हाई पे ही रखिएगा, 5 मिनट्स, बल्कि इसको हाई और फिर इसको 5 मिनट बाद मीडियम पे कर दीजिएगा। इसका पानी सूख गया है, हम इसका ढक्कन उठा रहे हैं, क्या रखेंगे, पक गए हैं। जब आप पानी डालते हैं इसको ढक्कन देते हैं, उस पर आपने बिल्कुल नहीं खोलना उसको, बस देखते रहें, बस जब पानी सूख जाए देन टर्न द फ्लेम ऑफ और ये बन चुके होंगे, ठीक है। अब इसको हम आपको फ्राइंग प्रोसेस इसका दिखाती हूँ मैं। अब एक बड़ा बोल लें, उसमें 2 अंडे फेंट लें, वो डालें और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने डालना है बेसन, क्या अच्छी तरह मिक्स कर लें। वंस दैट डन तो आप इसके अंदर चांपे डाल दें सारी। मेरे हाथ साफ है, डोंट वरी अबाउट दैट, वेरी गुड। इसको आप अच्छी तरह कोट करें, चांपों को कोट करने जो हमने बनाए अंडे और बेसन का। सच अ क्विक रेसिपी, मैं इसको एज अ साइड डिश सर्व करती हूँ, गेस्ट से आना होता है। अगर आपने पुलाव बनाया है, आपने कोई ग्रेवी बनाई है तो साथ एक ड्राई चीज़ के तौर पे चांपे आप बना लें, उसके साथ आप वेजिटेबल्स सर्व कर लें, आलू सर्व कर लें, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, जब तक तेल गर्म होता है हम चांपों को जो हमने मैरिनेट की थी उसके अंदर उसको हम क्रम्स में डालेंगे। अच्छी तरह इसको दबाएं, देन शेक इट ऑफ एक्सेस हो जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमने सब पे ब्रेड क्रम्स लगा दिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, तो हम इसके अंदर चांपे डालेंगे। हमने सिर्फ इनको रेड करना है क्योंकि पकी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। अब तेल इतना डालें कि ये चांपे डूब जाए इसके अंदर, ताकि आपको फ्लिप भी ना करना पड़े ज्यादा। फ्राइंग में जब भी आप तेल में कुछ डालते हैं तो उस वक्त हिलाते नहीं है बिल्कुल, जस्ट लीव इट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बाद आप उसको हिलाते हैं, स्पेशली जब आपने क्रम्स लगाए हो, क्योंकि जब आप डालते साथ हिलाते हैं वो सारे क्रम्स तेल के अंदर चले जाते हैं।
अब देखिए थोड़ी देर मैंने वेट किया है और अब मैं इसको थोड़ा सा खिलाऊंगी ताकि स्पेस बन जाए सबके लिए। एंड अगेन ये बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है। आप इसको हाई पे रख लें या थोड़ा सा हाई से कम मीडियम और हाई के बीच में टेम्परेचर रख लें इसका ताकि ये रेड हो जाए। दिस इज व्हाट वी लुकिंग फॉर। मेरे लिए ये कलर बिल्कुल ठीक है। हम इसको कोल में स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि इसका एक्सेस तेल निकल जाए। चॉप्स आर रेडी। ओके, इट्स सच अ क्विक रेसिपी, इतनी इजी है और इट्स जस्ट अमेजिंग। यू डू जरूर ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो। और कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।